सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। पहले ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गया था यह अभिनेता, फिर धड़ाम से गिरा करियर, आज है गुमनाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता विवेक मिश्रान आज 52 साल के हो गए हैं। 9 अगस्त 1969 को विवेक का जन्म रेणुकूट में हुआ था। वे बॉलीवुड के उन अभिनेताओं की सूची में शामिल हैं जिन्होंने पहली ही बार में दर्शकों के दिलों पर राज कर लिया था। हालांकि वे दोबारा इस कारनामे को दोहरा नहीं सके। विवेक मिश्रान ने हिंदी सिनेमा में अपने कदम महज 22 साल की उम्र में रख दिए थे। उनकी पहली फिल्म थी सौदागर। खास बात यह है कि विवेक ने अपने करियर की पहली ही फिल्म में राजकुमार, दिलीप कुमार, अनुपम खेर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। इस फिल्म में उनकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी। यह फिल्म साल 1991 में प्रदर्शित हुई थी। उनकी यह फिल्म हिट रही थी और वे रातों रात स्टार बन गए थे। राजकुमार, दिलीप कुमार, अनुपम खेर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गजों के होने के बावजूद विवेक अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब रहे थे। विवेक की प्यारी मुस्कान और मासूम आंखों ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था। सौदागर में विवेक और मनीषा पर फिल्माया गया गाना इलू इलू बेहद लोकप्रिय हुआ था। साल 1991 में बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद विवेक को आगे सातवां आसमान, बेवफा से वफा और राम जाने फिल्मों में देखा गया। हालांकि वो जादू नहीं चला सका जो सौदागर में देखने को मिला था। धीरे धीरे उनका करियर डूबने लगा और वे सिनेमा की चकाचौंध से भरी दुनिया से दूर होने लगे। हालांकि साल 2000 में वे वापस हिंदी सिनेमा में आए। साल 2000 में विवेक मिश्रान ने फिल्म अनजाने से वापसी की थी। हालांकि उनका कमबैक भी किसी काम में नहीं आया। उनकी यह फिल्म भी फ्लॉप रही थी। इसके अलावा उन्हें बेताब, छोटा सा घर, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, बात हमारी पक्की है जैसी कई फिल्म और शो में देखा गया। हालांकि सौदागर वाला अभिनेता दर्शकों को कहीं भी और कभी भी नहीं देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।